जल्द राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं 14 तारीख से मणिपुर से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं समझता हूँ इस यात्रा से हम सब लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और देश भर के कांग्रेसजनों को और आमजनों को जुड़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी झाँक कर देख नहीं रहे। लंबे समय से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इस माहौल में राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं, हम सब उनके साथ जाएंगे और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा से मैं समझता हूँ कि जो हकीकत देश में है उसको देखने का, समझने का और लोगों की बात सुनकर न्याय दिलाने का जो मुहिम राहुल जी ने छेड़ी है उसको हम पूरा कर सकेंगे। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं, मुझको भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। हम पूरी मेहनत से वहाँ काम करेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम यहाँ चुनाव ना जीते हों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। लोग आज भी उम्मीद कांग्रेस से करते हैं और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, वो इस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। देखिए, सरकार का गठन बहुत शीघ्र अभी हुआ है और उपचुनाव होना था। जिस प्रकार उपचुनाव में सारी मान मर्यादाओं को ताक पे रखकर, आचार संहिता का उल्लंघन कर अनैतिक निर्णय लिया, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आपने शपथ मंत्री पद की दिलाई, लेकिन जनता बहुत समझदार है, प्रलोभन में, दबाव में आने वाले नहीं है। और क्षेत्र में जब हम प्रचार कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि जनता कांग्रेस के साथ है और हमारे उम्मीदवार रूबी कुन्नर जी को जो बड़े बहुमत के साथ जीत दिलाई है वो एक झटका भी है और सरकार को सावधान करने का जनता ने मन बना लिया कि अपने वादे भी पूरा खरा उतरिए। सरकार बनने के बाद क्या किया, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं और जो सरकार का गठन में समय लगा, मंत्रिपरिषद बनने में समय लगा, डिपार्टमेंट बांटने में समय लगा, आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस उम्मीद से जनता ने वोट दिया था उसको पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। अभी बहुत जल्दी है लेकिन ये उपचुनाव के परिणाम दिखाते हैं कि जनता, नौजवान, किसान कांग्रेस के साथ है। बहुत जल्दी इसका निर्णय पार्टी